कोहरे का कहर लगातार जारी है, तो वहीं संत कबीर नगर में दूसरे भी घने कोहरे का कहर देखने को मिला। जी हां, आपको बताते चले, घने कोहरे के कारण NH28 पर दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरे दिन कोहरे के कारण एक खड़ी ट्रेलर से राजस्थान से गोरखपुर जा रही AC कोच बस टकरा गई। बस को टकराते ही उसके पीछे से तेजी से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक महिला की अस्पताल ले जाते वक्त ही मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव में जुट गई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। लेटे हुए थे, बस सीट थी ऊपर की, कोहरा इतना तेज था, ट्रक हमारा जो बस ड्राइवर था वो गाड़ी बहुत धीरे बहुत आराम चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं। पीछे से ट्रक वाले ने ऐसा टक्कर दिया, ट्रक वाले ने, हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। और उसके बाद देख रहे हैं तो ना तो ये पीछे गर्दन उठ रही है, ना तो ये हमारे श्रीमती जी को चोट लगी, अब उनके भी गर्दन में चोट है और स्थिति वही। फिर प्रशासन तुरंत आया, प्रशासन का अच्छा रहा, यहाँ पे पुलिस वाले लेके आए यहाँ पर जिला अस्पताल, हम लोगों को प्राथमिक उपचार मिल गया है। अब आगे ये लोग क्या करते हैं वो देखते हैं साहब। बस जो है राजस्थान से आ रही थी, उसने वो ट्रक को टक्कर मार दिया और पीछे से ट्रक वाले ने बस को मार दिया है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है।